गाइस मैं खुश हूं, आपका स्वागत करती हूं द न्यूज़ टॉक चैनल में। हमारे सामने बहुत ही बड़ी खबर आ रही है चलान को लेके, क्योंकि एक दरोगा को एक चलान काटना भारी पड़ गया, क्योंकि उसने एक वकील का चलान काटा और उसके बाद वकीलों ने कर दी हड़कंप। उन्होंने दरोगा की बाइक की चाबी निकाल ली और उसके बाद हवा भी निकाल दी। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। बहुत ही अजीबोगरीब मामला है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप भी कुछ ना कुछ पुलिस वालों को बोल सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की न्यूज। यूपी के बिजनौर से हमारे सामने ये बहुत ही अजीबोगरीब मामला आ रहा है चलान को लेके, जिसने काफी ज्यादा हड़कंप मचाई हुई है हर जगह पर। वहां पर एक्चुअली एक वकील वहां से निकल रहे थे अपनी स्कूटी पे, और वहां पर नगर पालिका थी, डाकघर था, और उस वक्त वहां पर दरोगा खड़े थे चलान काटने के लिए। जो लोग गलती करते हैं उनके चलान काटना लाजमी बनता है, क्योंकि पुलिस इसके लिए बनी है और रूल समझाने के लिए बनी है। तो वहां पर पूरे दरोगा और उनकी टीम वहां पर तैनात थी, और जब ये वकील वहां से निकल रहे थे अपने दो पहिए वाहन पे, स्कूटी पे जब वहां से निकल रहे थे, तब उसी दौरान दरोगा ने उनको रोका, और रोकने के बाद उनसे कागजात पूछे गए, और जो कि उनके कागजात पूरे थे उन्होंने दिखा दिया। और उस वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो दरोगा ने उस वकील से पूछा कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ। तो उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंगली ये चीज समझाई कि नगर पालिका और डाकघर के नजदीक अगर हम जाते हैं तो वहां पर अगर हम लोग हेलमेट नहीं भी पहनते हैं तो भी चलता है। तो उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंगली उस दरोगा से बात की थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वो रूल क्या है, अगर आपको ये चीज के बारे में पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उसके बाद भी दरोगा ने इसकी गलती कर दी और उस वकील का चलान काट दिया, और चलान काटने के बाद वकील काफी ज्यादा भड़क गया और अपने वकील दोस्तों को इस चीज के बारे में समझाया। और कुछ दिन के बाद एक्चुअली वही दरोगा और उसकी टीम वहां पर वकील वहां पर कचहरी में आई, और कचहरी में आते वक्त जब उन्होंने घंटा घर के पास उन लोगों को देखा, तब उस वकील ने उसको पहचान लिया और वहां पर खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने देखा कि एक्चुअली दरोगा और उसकी टीम ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, और उनको रोक दिया गया और उनसे कागजात पूछे गए, जो कि उन लोगों के पास कागजात भी नहीं थे और उसी के साथ उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। और उसी दौरान जो वकील की टीम थी उन्होंने दरोगा और उसके सिपाहियों की चाबियां निकाल ली और साथ के साथ उनके बाइक की हवा तक भी निकाल दी, और वहां पर काफी ज्यादा हंगामा हो गया। जो पीछे पुलिस की टीम आ रही थी उन्होंने पीछे से ही अपने पैर पलट लिए और वहां से भाग निकले, और उसके बाद दोनों टीमों में दोनों वकील की पूरी लोगों के बीच में और पुलिस और दरोगा की टीम में काफी ज्यादा समझौता हुआ। और उसके बाद समझौते में ये चीज सामने निकली कि जो दरोगा ने किया है वो बिल्कुल गलत किया है और ये चलान वापस ले लिया जाएगा। पर गाइज ये सब चीजें पहले कर देती है, बाद में फिर बहुत सारी बातें करते हैं कि ये चलान वापस ले लिया जाएगा। अभी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे हाईवे के केसेस आ रहे हैं जहां पर 1.5 लाख चलान वापस करने के लिए बोला जा रहा है कि सरकार वापस करेगी, पर ये कब वापस करेगी, कितने पैसे वापस करेगी, अभी तक कोई भी खबर नहीं है। जो गलत चलान काटे गए हैं उनका कोई भी खबर ही नहीं है, बस लोगों ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाली है और सरकार इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहती है। उन लोगों का क्या किया जाए, ये दरोगा ने जो गलती की है उस चीज का तो ये लोग बोल रहे हैं कि चलान वापस ले लेंगे, पर वहां पर वकील काफी ज्यादा समझदार निकला। वकील लोगों को पता होता है कि कौन सी एक्ट कहां पर लगनी है और कौन से रूल्स कहां पर होते हैं, इनसे ज्यादा बेटर पता होता है। क्या आप लोगों को पता है कि नगर पालिका के पास अगर डाकघर के पास अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर हेलमेट पहनना सही है या गलत है, या वहां पर अगर आप पहने तो भी चलता है, अगर नहीं पहने तो भी चलता है, क्या है ये रूल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।